हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2019, तो मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से ले आया हूं डेली करंट अफेयर वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में कितने शहरों को प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जी हाँ, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में सन 2020 तक 5 शहरों को प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में बताया मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी को सन 2020 तक प्लास्टिक फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में सबसे पहले किसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सबसे पहले देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इसके लिए 575 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नाम सदैव दून रखा गया है और सदैव दून का शुभारंभ 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पर होगा। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं? जी हाँ, यह सौभाग्य मिला है सरिता देवी को, जो कि भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इस आयोग में 5 क्षेत्रीय संघों यानी एशिया, ओशनिया, यूरोप, अमेरिका और यूरोप से एक महिला और एक पुरुष मुक्केबाज को चुना गया है। और यहाँ पर जो भारतीय महिला मुक्केबाज सरिता देवी हैं, वो एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस मंत्रालय ने सांस अभियान शुरू किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सांस अभियान शुरू किया है। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिना निमोनिया सक्सेसफुली अभियान। इसका उद्देश्य देश में निमोनिया के कारण होने वाले बच्चों की मौत में कमी लाना है। इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। हम चलते हैं अपने वन लाइनर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में गोताबा राजपक्षे को चुना गया है। इन्हें चीन का नजदीकी माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वन लाइनर की तरफ। हाल ही में भारत ने 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना होगा अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम चलते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 नवंबर 2019 को लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल यानी शीतकालीन ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो करंट अफेयर वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आज थोड़ा सा कम करंट अफेयर थे। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसा करंट अफेयर वीडियो लाता रहता हूं। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर बड़े जोश और बड़े मनोयोग से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।